अगर बड़ा नहीं रहे होते तो इमरती देवी यहाँ कहाँ खड़ी होती, नहीं खड़ी होती ना। नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं तो जानती हूँ कि जब तक मेरे वरिष्ठ नेतृत्व मेरे से आदेश नहीं करेंगे मैं किसी गांव में भी नहीं गई और ना जाऊंगी। हाँ भिंड से मैं 14 में चुनाव लड़ी थी लोकसभा कांग्रेस पार्टी से, चुनाव लड़ूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप तो जानते हो मेरी जीत का, दुश्मन पीछे पड़ जाते तो हार जाते ना, तो मैं पहले 18 में 62,000 से हारी थी और जीती थी, और अब कुंभार उनने टिकट दिया है मुझे तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से 51,000 वोट और ज़्यादा बढ़ाए हैं। तो दुश्मनों से क्या क्या दुश्मनी मानते हैं कि आप जो दुश्मनी में आप लोग आपको हराने की कोशिश की जाती है, आपको ही कोशिश की जाती है? अरे भैया वो तो सब भगवान निपटा देते हैं, तो लोकसभा निपटा दिया ना ईश्वर ने। नहीं कौन नामों की भाई सब चर्चा नहीं चली, उनने वित्तीय बात करी कि हमको पूरा मतलब मध्य प्रदेश की पूरी सीटें चाहिए, तो पूरी की पूरी सीटें हम सब लोग जिता के देंगे। गृह मंत्री जी आए, उनने 4 लोकसभा की मीटिंग ली है ना, तो चारों लोकसभाओं ने उनने ऐसी कोई बात नहीं करी, उसके लिए यही बात करी कि जिस तरीके से हमने अपने मध्य प्रदेश में डंका लगाया है उसी तरीके से लोकसभा में पूरे के पूरी सीटें, पहले तो एक सीट नकुरनाथ को मिल गई थी, अब वो भी नहीं मिलेगी, पूरे की पूरी सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी जीते। ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर क्या चर्चा हुई? नहीं यहाँ पे कछु नहीं। ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर सिंधिया जी को लेकर कुछ चर्चा हुई? तो मैंने बता दी कि चारों सीटन की भाई है, ना सिंधिया जी की भाई ना किसी के, नाम किसी के नहीं लिए। गुटबाजी पे लेकर कुछ बात हुई? गुटबाजी आपका भी चुनाव लड़ने का चल रहा है, आप कहाँ से चुनाव लड़ने का? जहाँ से नेता दे देंगे भाई। क्या भिंड दतिया सामान सीट छोड़ के? नहीं भिंड दतिया से क्या चल रहा है आपका? भिंड दतिया दे दे चाहे टीकमगढ़ दे दे चाहे उज्जैन दे दे चाहे एक वो कहाँ है नहीं गुना नहीं चार है खजराव तो सामान नहीं, नहीं क्या को लड़ूंगी तो बिल्कुल।